रूम पर और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रूम पर पहुंचते जीन और मैं, हम दोनों ने डिनर किया और डिनर में जीन ने सरप्राइजिंगली वही तंदूरी चिकन खरीद के लाया था जिसे पिछले दिन हमने एक फूड स्टोर में देखा था। तो तंदूरी चिकन और ड्यूरन आइसक्रीम खाने के बाद हमने थोड़ी बहुत बातें की और यहाँ से सीधा निकल गए हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। Botanical entrance, because you've been there at the back, right? Because you're using MRT. अभी रात के 10 बज रहे और अभी मैं जा रहा हूँ लैब्राडोर पार्क, यानी जॉगिंग या वॉकिंग के लिए वहाँ पर अच्छी जगह है और अच्छा सीनरी भी दिखता है वहाँ से। तो इसलिए जिन ने कहा मुझे कि आप वहाँ पर चलिए, आप खाना खा लो और फिर वॉक के लिए हम जाते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ठीक है। तो अभी रात के 10 बज रहे और वहीं पर हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं उधर, तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं और फिर वहाँ का कैसा नज़ारा है या क्या है वहाँ पर, वो सब मैं आपको वहीं पर जाके दिखा देता हूँ। हम चलते हुए जा ही रहे थे कि अचानक मुझे एक पेडेस्ट्रियन अंडरपास दिखाई दिया जो काफ़ी खूबसूरत था। ये अंडरपास बेसिकली एक प्राइवेट अंडरपास है और ये अंडरपास उन लोगों के लिए है जो अलेक्जेंडर टेक्नो पार्क की तरफ जा रहे हो। ये अंडरपास इतना खूबसूरत है कि आप चाहे तो यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हो। चलते चलते हमने कुछ और आइसक्रीम भी खरीदी ली। हो रहा 7-Eleven जहाँ से मैंने कल सामान खरीदा था। अगर आपको चीप और सस्ते दामों में कुछ भी खरीदना हो तो 7-Eleven एक बड़ी ऑप्शन है। एक्चुअली थक गया हूँ मैं। बाय द वे अभी जहाँ से मैं चल रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ हम दो ही दिखाई दे रहे हैं, पीछे कोई भी नहीं है। तो पीछे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सामने से अब जाकर एक बस आ रही है। और सामने कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, मतलब रात को 10 बज गए, 10:15 हो गए, 10:15, लेकिन इस एरिया में कुछ चहल पहल इतनी दिखाई नहीं दे रही है। फाइनली लैब्राडोर पार्क में आ गए, हालांकि यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सड़क पे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था हमें, और काफ़ी लाइट तो थी लेकिन बहुत साइलेंट एरिया था वो। लेकिन ठीक है, फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा वॉक करूँगा और सामने बीच है। हालांकि यहाँ पर आना चाहिए था शाम को, लेकिन मेरे पास टाइम, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास टाइम बहुत है, तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पर शाम को और फिर आपको दिखाऊंगा कि लैब्राडोर पार्क आखिर में दिखता कैसे। फिलहाल के लिए अब देखिए अभी रात में कैसा दिखता है लैब्राडोर पार्क। लैब्राडोर नेचर रिजर्व एक्चुअल में वह जगह है जहाँ कई ऐतिहासिक अवशेष और प्राकृतिक कलाकृतियाँ सिंगापुर में स्थित है, जिनमें से ज़्यादातर तो वर्ल्ड वॉर 2 और उससे पहले के समय से है। सामने मेरे समुंदर है यहाँ पर और ये पूरा एरिया जो है लैब्राडोर पार्क, यानी
आप चाहे जितना उतना जॉगिंग कर सकते हो, बैठ सकते हो अपने दोस्त के साथ आके, या टाइम पास भी कर सकते हो। तो ये पूरा एरिया है, यानी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है ये भी, और मेरे बाजू में है समुंदर। बेसिकली एक कोस्टल वॉक है, और वीकेंड में ज़्यादातर लोग यहाँ पर जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर है कार्गो शिप्स, जो कि सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं सामान शिप के थ्रू, सब कार्गो शिप्स है वहाँ पर। बड़े बड़े शिप्स आपको वहीं पर दिखाई देंगे, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं सामान लोड करने का, वो वहीं से होता है। अब जब फ्लाइट में सिंगापुर आते हैं, और अब जब जाते भी हो, तो आपको ये नज़ारा दिखाई देगा ऊपर से। आते वक्त अगर आप लेफ़्ट साइड में बैठोगे फ्लाइट के, तब आपको ये नज़ारा कंफर्म दिखेगा, क्योंकि मैं दो बार लेफ़्ट साइड में ही बैठा हूँ और मुझे ये कार्गो शिप दिखाई दिया। राइट साइड से मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ऊपर से बिल्कुल जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना लाइट्स, बिल्कुल वैसे ही दिखते ऊपर से। तो सिंगापुर में आज मेरा छठा दिन है मेरा आज। हालांकि मैं 26 तारीख को पकड़ने आ रहा हूँ, क्योंकि तभी मैं रात को आया था, तो तभी मैं घूमने पाया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आइएगा सिंगापुर में एक बार, तो एटलीस्ट घूमने के लिए। अगर आप यहाँ पर आते हो, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको जगह, ये एक्चुअली पार्टी करने के लिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पर आप बारबेक्यू यानी खाना वाना बना सकते हो, जो जला के बनाते हैं ना खाना बारबेक्यू, तो बस वही बारबेक्यू सब बना के रखा हुआ है, तो फ्री में। तो आप अगर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आते हो, तो यहाँ पर आप खाना अपना बना कर खा सकते हो। और यहाँ पर कुछ लोग जॉगिंग करते हुए, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो, पार्टी का टाइम है, अगर आप पार्टी करना चाहते हो यहाँ पर आके, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, खाना बनाना चाहते हो, तो ये बारबेक्यू आपके लिए फ्री में बना के रखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो पार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बारबेक्यू सब बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको अपने दोस्तों के साथ आना है या फैमिली के साथ आना है, तो यहाँ पर आप फ्री में अपना खाना बना कर खा सकते हो। तो वही चल रहा है मेरे पीछे अभी, कुछ दोस्त है शायद 15-20 लोग हो गए, आके यहाँ पर खाना बना रहे और एंजॉय कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं उस साइड, वो है लैब्राडोर ब्रिज, तो बिल्कुल समुंदर के बीच में बना हुआ है, तो वो जाके देखने वाला हूँ मैं जाकर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं वापस आऊँगा, या तो सुबह होगा या तो शाम का होगा, प्लान करूँगा शाम को आने का, ताकि अच्छा व्यू देखने मिले। क्योंकि हम काफी रात में आए थे, इसलिए यहाँ पर लोग ना के बराबर ही थे। चलते चलते मैंने अपनी कुछ तस्वीरें भी खींची ली। यहाँ पर एक्चुअली अच्छा है आराम करने के लिए, बहुत अच्छी जगह ही है लैब्राडोर पार्क। हमेशा अगर कभी भी आपका प्लान हो, तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर, बहुत अच्छे है। मैं तो कहूँगा शाम के वक्त आइए एक बार, मैं शाम को आने ही वाला हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है। हालांकि यहाँ पर स्विमिंग फिशिंग करना मना है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, फिर हम क्या कह सकते हैं उसे, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन गलत है। खैर अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, और शाम को एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा, क्योंकि यहाँ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। उस साइड से मैं देख चुका हूँ, वहाँ पर है हबर फ्रंट, वहाँ से मैं देख चुका हूँ कि कैसा है वहाँ से व्यू। सुबह एक बार गया था पार्क में, आपको दिखाया भी रहेगा, आपको मैंने दिखाया वीडियो में। तो एक बार शाम को आऊँगा मैं यहाँ पर, शाम को बढ़िया व्यू रहेगा।
फिर आपको भी दिखा होगा, यहाँ पर आना तो बनता ही है दोबारा। लैब्राडोर पार्क से बाहर, अब बस यहाँ से सीधा अपने रूम पर जाऊंगा। आज लैब्राडोर पार्क देखा है और बोटानिकल गार्डन भी कंप्लीट नहीं किया हूँ मैंने, तो मैं कल कर लूँगा वो, है तो परसों आके कर लूँगा। लेकिन लैब्राडोर पार्क में मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आने के लिए कि आप शाम के टाइम पर ही आइए, अच्छा है। अगर आप अपने फैमिली के साथ आओगे तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि संडे को और सैटरडे को यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, और अच्छा भी है, बारबेक्यू भी उस करने मिल रहा है फ्री में, और क्या चाहिए। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर, तो मिलते हैं कल सुबह।